हेलो फ्रेंड्स, आप सबको हमारा चैनल क्वेंचिंग द क्यूरियोसिटी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बॉलीवुड का नया मूवी अभी आने वाला है, थग्स ऑफ हिंदुस्तान करके, जिसमें भाग ले रहे हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स लाइक आमिर खान, अमिताभ बच्चन, कतरीना कैफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पिक्चर का राइटर और डायरेक्टर है विजय कृष्णा आचार्य। दोस्तों, मूवी इज़ बेस्ड ऑन ए फिक्शनल नॉवल कॉल्ड कन्फेशन ऑफ ए थग, रिटन बाय फिलिप मेडोस टेलर इन 1839। दोस्तों, आजकल एक बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है, शायद आप सब ने देखा होगा। जो भी नया फिल्म आता है उसके साथ एक कंट्रोवर्सी जुड़ा रहता है पब्लिक में। कुछ पब्लिक के कुछ संगठनों ने, कुछ विभागों ने या कुछ जनजातियों ने उसके बारे में अपना अभिप्राय सही तरह से नहीं दिखाया गया है, हमें गलत तरह से दिखाया गया है, हमारा सेंटिमेंट्स हर्ट किया गया है, ऐसे कुछ बोल के अपना एक रिग्रेशन दिखा देते हैं। जैसे कि पद्मावत मूवी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, कितना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, कितना उसका रिग्रेशन हुआ उसके बारे में, कोर्टों को कुछ ऑर्डर्स देना पड़ा, गवर्नमेंट्स ने कुछ करना पड़ा, लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम हुआ काफ़ी सारे। उसके पहले एक मूवी आया था पीके करके, जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारा क्रिटिसाइज भी किए। ये मूवी हिंदुइज्म के बारे में बहुत क्रिटिकल है, पर अदर रिलीजन्स के बारे में काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है, जैसे कि नॉट डिगिंग डीप इन टू दोज रीजन्स बट दे आर वेरी क्रिटिकल अबाउट हिंदुइज़म ऐसे करके। पर जब मूवी देखते हैं हम, कुछ अलग सा ही नज़र आता है आपको। जैसे कि पद्मावत में ऐसा कुछ गलत नहीं दिखाए थे, जो भी दिखाए थे पॉजिटिवली दिखाए गए थे। और पीके मूवी के बारे में तो बोलना ही कुछ ज़रूरी नहीं है, वो फिल्म इंटेलेक्चुअल के तरफ से कितना स्ट्रांग था और बॉक्स ऑफिस में तो सबसे बहुत बड़ा हिट भी रहा था उस जमाने तक। लेट्स कम टू थग्स ऑफ हिंदुस्तान। ये जो मूवी बन रहा है दोस्तों, अभी कह चुका हूँ आपको मैंने, ये एक मूवी इज बेस्ड ऑन ए नॉवेल कॉल्ड कन्फेशन ऑफ ए थगी, रिटन बाय ए ब्रिटिश पर्सन कॉल्ड फिलिप मीडोज टेलर। नॉवेल आता है फिक्शनल कैटेगरी में, इसका मतलब है ये कोई बायोग्राफी ऐसे कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक फिक्शनल है। लेखक ने जो भी अपना परिसर में देखा है उसके हिसाब से अपना अभिप्राय व्यक्त करने के लिए इसको लिखता है। तो प्रश्न उठता है, ये थग्स कौन है? दोस्तों, थग्स एक कल्ट थे 17th century में, जिन्होंने विकिपीडिया में आपको देखने को मिलता है कि दे वर लाइक बारबेरिक रॉबर्स, जिन्होंने मिलियंस ऑफ पीपल्स को मार चुके थे रॉबरी करने के लिए। एक बहुत बड़ा कल्ट था और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़े कर चुके थे वो उस ज़माने में, जिसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 120 लोगों का एक फोर्स बनाते और ऑपरेशन भी जारी करते हैं, एक लंबा सा ऑपरेशन जिसमें ऑलमोस्ट 3000 थगीज को कैप्चर किया जाता है। उसमें से 466 वर हैंग्ड, मतलब 466 लोगों को फांसी दिया जाता है और 1564 लोगों को ट्रांसपोर्टेड किया जाता है और 933 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। ये देखने को कुछ लोगों का कहना है, मतलब इंटेलेक्चुअल लोगों का, ये जो नॉवेल है कन्फेशन ऑफ ए थगी, इट इज़ वेरी एग्जैजरेटेड एंड इट इज़ यू नो ट्राइंग टू पोर्ट्रे ए काइंड ऑफ पेन टू द लोअर कम्युनिटीज ऑफ दिस कंट्री, एस्पेशली इन दोज टाइम्स। मतलब हिंदुस्तान का जो ट्राइबल पीपल थे, दे वर बारबेरिक, डकाइट्स, क्रिमिनल्स,
मतलब सरासर वो लोग बुरे थे, ऐसे पोट्रे करने के लिए कोशिश किया गया इस नॉवेल का इंटेंशन। जो भी इंटेलेक्चुअल लोग है लिटरेचर में, वो उनका अभिप्राय ऐसा है। दोस्तों, इंडिया में ब्रिटिश राज का क्या असर था उसको एक नए तरीके से बताने का तो कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। इस देश को कितना लूट लिया उन लोगों ने, यहाँ पर कितना अत्याचार किया, अनाचार किए, हाँ यहाँ का सिस्टम को कितना डिस्ट्रॉय किए, हिस्ट्री को कितना डिस्टॉर्शन किए, हमारा हिस्ट्री को गलत तरीके से खुद हम ही को सिखाने के लिए उनका कोशिश क्या क्या था आप सभी जानते हैं। पर दोस्तों, एक प्रश्न उठता है, वाई द ब्रिटिशर्स सो हार्श ऑन दीज आदिवासीज, लोअर क्लास, ट्राइबल पीपल्स? थोड़ा आप इतिहास में जान कर देखे तो आपको पता चलेगा दोस्तों, ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को ऐसा एक क्रिमिनल, बारबरिक ऐसा पेंट करने के लिए एक बड़ा सा कारण था, वो था पैट्रियटिज्म। दोस्तों, आप माने या ना माने, इन लोगों ने खुद अपने ही तरीके से पैट्रियोटिक थे, स्पेशली ड्यूरिंग 1857 जो क्रांति हुआ उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। इन लोगों ने तो ब्रिटिशों का काफ़ी तंग कर चुके थे, एक एक तरह का सिरदर्द बन चुके थे। ब्रिटिशों ने तो किसी भी तरह से देश के राजा महाराजाओं को, मतलब एक सिविलाइज स्ट्रक्चर जो था, उनको तोड़ फोड़ करके राजा महाराजाओं को काबू में कर चुके थे। पर हमारा देश इतना बड़ा था और इतना जनजातियाँ थे, उन सभी को एक ही मतलब टाइम में कंट्रोल करना, उन पर राज करना नामुमकिन था। इसीलिए ये जो जनजातियाँ थे, आदिवासी और काफ़ी सारे शेड्यूल ट्राइब्स लोग थे, वो अपने ही तरीके से, अपने ही संप्रदाय के तरीके से हमारे देश का समृद्ध अरण्यों में अपना ज़िंदगी गुजारते थे। वो हज़ारों साल से एक संप्रदाय बना चुका था, एक रीति रिवाज बन चुका था, वो अपने ही एक तरह का साम्राज्य बनाकर वहाँ पर रहते थे। और जो उनका हैबिटेट था, वो नेचुरल रिसोर्सों से काफ़ी श्रीमंत था। ब्रिटिशर्स को इन लोगों को काबू में करने के लिए था, क्योंकि वहाँ का जो भी नेचुरल संपत्ति था उसको लूटना चाहते थे। पर ब्रिटिशों के रास्ते में ये लोग जो थे आदिवासियों, ये बैरियर बन के खड़े हो जाते थे। मतलब दे वर नॉट रेडी टू ओबे द ब्रिटिश रूल्स, दे वर नॉट रेडी टू सरेंडर टू ब्रिटिशर्स। इसीलिए ब्रिटिशों ने इन लोगों को कुचल देने के लिए जो भी करना था सब कुछ कर चुके। मतलब इन पर इतना अत्याचार हुआ, इनका इतना कत्लोआम हुआ, जिसके बारे में एक्सप्लेन करना तो एक नामुमकिन बात है। इनको इन्हीं के खुद की हैबिटेट से बाहर धकेल दिया गया। हाँ, इनको जो भी उनका स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर था, उसको तोड़ दिया गया। इनको सीधा से सीधा रास्ते में ले आ जाते ब्रिटिश लोगों ने। दोस्तों, इंसान जब भी कंगाल हो जाता है, सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रगल जरूर करता है। उस टाइम में सम अनवांटेड थिंग्स विल डेफिनेटली हैपन, बट ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को सिस्टम तोड़ा, इनको रास्ते पे ले कर आ गए, इनको कंगाल बना दिए गए, एंड देन दे स्टार्टेड टू कॉल देम एज अनसिविलाइज्ड, हाँ, एंड दे आर नॉट सेटिंग इन टू द ब्रिटिश कॉलोनियल आइडिया ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड वेज लेबर। और सिर्फ उतना ही नहीं दोस्तों, इन लोगों को असली मुसीबत तब आती है जब क्रिमिनलिटी और प्रोफेशनल क्रिमिनल बिहेवियर जो है, इट वॉज टेकन टू बी हेरिडिटरी रादर देन हैबिचुअल। दैट इज वेन क्रिमिनल बिकेम एथनिक, एंड वॉट वॉज मेयरली सोशल डिटर्मिनिज्म टिल देन बिकेम बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म।
मतलब कुछ खास जनजाति में जन्म लेते ही उसको क्रिमिनल करार दिया जाता था। इस सोच को वेल ऑर्गेनाइज तरीके से लागू करने के लिए 1871 में ब्रिटिश राज ने द क्रिमिनल एक्ट ऑफ 1871 जारी करता है। इसको पहले उत्तर भारत में जारी करते हैं, उसके बाद 1876 में बंगाल में भी जारी किया जाता है, उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया जाता है। ये जो क्रिमिनल बाय बर्थ कास्ट अंडर दिस एक्ट, इनिशियली गुज्जर्स वर इंक्लूडेड, बट इट्स एनफोर्समेंट एक्सपांडेड बाय लेट 19th सेंचुरी टू इंक्लूड मोस्ट ऑफ शूद्रास एंड अनटचेबल्स सच एज चामर्स, सन्यासीस, हिल ट्राइब्स, भोवरियास, सोनारियास, भिंड्स, बुडक्स, बेडियास, ढोम्स, डोरमास, बेम्बोडियास, कीचक्स, केवत, मल्लास, लोधा, बहार, फांसी। दोस्तों एक बड़ी लंबी लिस्ट है, मतलब वो आपको क्या बताऊँ मैं, 1931 तक द कॉलोनियल गवर्नमेंट लिस्टेड ऑलमोस्ट 237 क्रिमिनल कास्ट एंड ट्राइब्स अंडर दिस एक्ट इन मद्रास प्रेसिडेंसी अलोन। इनको ह्यूमिलिएशन करने के लिए दोस्तों इन लोगों पर खड़ी नज़र रखा दिया जाता था। कुछ इनका ऐसा इंतज़ाम होता था कि कुछ खास एरिया से ये लोग बाहर आना जाना ही मना था, जिसको सेटलमेंट कहते थे। शायद आप भी आपके शहरों में आज भी देखते होंगे सेटलमेंट्स एरियाज। दोस्तों ये देह ने ब्रिटिश राज का एक तरह सा खुली जेल था, जिसमें इन लोगों को रहना था और बाहर आने जाने के लिए मना किया जाता था। मतलब एक क्रिमिनल टप्पा इन पर लागू कर दिया जाता था। दोस्तों इन लोगों ने ढंग तरीके से जीने का कोशिश किए तो भी सोसाइटी में इनका एक्सेप्टेंस इजी से नहीं होता था। मतलब इनका ह्यूमिलिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे लिए शब्द नहीं है। दोस्तों ये सारा देन है ब्रिटिश राज का। ये जो नॉवेल है कन्फेशन ऑफ ए थग, ये ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए है। इसीलिए जो मूवी बना रहा है उसका डायरेक्टर्स, राइटर्स इन सारे विचारों का मंथन करके जो असलियत है, जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको दिखाने का कोशिश किए है क्या नहीं, ये थोड़ा विचार करने का इश्यू है। दोस्तों इसके बारे में आपका जो भी विचार है, अभिप्राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।